नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। लॉकडाउन 5 कैसा होगा इसे लेकर हर कोई सोच रहा है। हालांकि लॉकडाउन 5 लगेगा या नहीं इसे लेकर भी अभी भी संदेह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। तो क्या इस मन की बात में लॉकडाउन 5 की घोषणा होने वाली है? हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि 1 जून से देश के ज्यादातर हिस्सों से लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। सिर्फ देश के 13 शहरों को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों से पाबंदियों को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है। होटलों, मॉल्स और रेस्टोरेंट को भी 1 जून से खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम खबरें हैं, लेकिन जब तक पूरी गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 1 जून से पूरे देश से 13 शहरों को छोड़कर लॉकडाउन की पाबंदियों को खत्म किया जा सकता है। होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। आपको ये बता दूं कि गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को उनकी मीटिंग हुई। इसी मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं ने नई गाइडलाइन को लेकर काफी देर बातचीत की और इसके बाद ये तय किया जा रहा है कि क्या अगले 15 दिनों के लिए देश में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं। ये माना जा रहा है कि चूंकि लॉकडाउन 4 में बहुत ज़्यादा छूट दी गई थी तो इसके बाद इस छूट को बढ़ाया जा सकता है। जिन 13 शहरों के लिए बात कही जा रही है कि वहाँ पर पाबंदियाँ पूरी तरीके से जारी रहेंगी, वह 13 शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर में पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे होटल, मॉल्स और रेस्टोरेंट को 1 जून से खोला जा सकता है, लेकिन इनमें भी कुछ नियमों को जारी कर दिया जाएगा। इनमें सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर नई गाइडलाइन जारी हो सकती है, इसे लेकर भी जल्द ही फैसला कर दिया जाएगा। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में चर्चा कर सकते हैं। दरअसल अभी तमाम होटलें बंद हैं, अभी आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा भी नहीं सकते। ऐसे में सिर्फ वही होटल खुले हुए हैं जहां पर कोरोना योद्धाओं को ठहराने की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब इसे लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ छूट का ऐलान कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री जो नई गाइडलाइन जारी करेगी उसमें इन होटलों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल भी अब बंद कर दिया जाएगा। इस शब्द के इस्तेमाल से भी नए गाइडलाइन में बचाव की बात कही जा रही है। सूत्रों की माने तो अब केंद्र सरकार लॉकडाउन को लेकर तमाम अधिकार राज्य सरकारों को दे सकती है। हालांकि लॉकडाउन 4 में भी बहुत सारे अधिकार राज्य सरकारों को दे दिए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि जो अगला फैसला होने वाला है लॉकडाउन को लेकर उसमें अब तमाम अधिकार राज्य सरकार को ही दिए जाएंगे। अगर वो चाहें तो उन कुछ जिलों में सख्ती लगा सकते हैं जहां पर ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हों, या वो छूट भी दे सकते हैं। यह तमाम अधिकार अब राज्य सरकार के पास ही होगा। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि 1 जून से सूत्रों की माने तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के साथ शुरू किया जा सकता है। इसकी भी तैयारी की जा रही, यानी कि पहले की तरह बसेस भी चलेंगी, लेकिन उसमें कुछ नई गाइडलाइन जारी करने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि मेट्रो के संचालन को फिलहाल टाला जा सकता है। दिल्ली मेट्रो अभी भी नहीं चलेगी, ये एक बड़ी खबर है। सूत्रों की माने तो 1 जून से मेट्रो को लेकर यही फैसला लिया जा रहा है कि फिलहाल मेट्रो के परिचालन को रोका ही रखा जाए, फिलहाल मेट्रो अगले आदेश तक नहीं चलेगी। तो बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन 5 में सूत्रों की माने तो 1 जून से बहुत सारी पाबंदियों को छूट दी जा सकती है। सिर्फ 13 शहरों को ही ध्यान में रखकर लॉकडाउन 5 की घोषणा की जा सकती है।